हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुड़ कैसे बनता है। चलो आगे आपको दिखाते हैं। उधर से वो गन्ना लेके आएंगे और इधर से उसके बाद जूस इधर आ। ये जूस निकलेगा इधर इधर से, फिर ये पाइप से होते हुए उधर जाएगा। इधर गन्ने रखे जाएंगे। ट्रैक्टर की मदद से ये चला हुआ है। और इसके बाद इसमें जाने के बाद पाइप से उस तरफ ले जाया जाएगा इसको। उसके बाद पहले कढ़ाई में पकेगा यहाँ पे। यहाँ पकने के बाद फिर दूसरे वाले में जाएगा। दूसरे में पकने के बाद काफ़ी देर तक उबलेगा ये। जो गंदापन होता है उसको निकाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में जाएगा तीसरे वाले में। तीसरे में जाने के बाद फिर यहाँ पे निकल जाएगा। अभी पक रहा है वो। ये रखा हुआ थोड़ी देर इसको लाते रहेंगे। टेस्ट करके देखेंगे इसको। पकाने के लिए थोड़ी देर चलाएंगे इसको। निकलेगा ये
तैयार हो चुका है गुड़, अब निकाल रहे हैं इसको। अब इसको ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे इसके अंदर ही। और निकल चुका है पूरा। अब ये दूसरे कढ़ाई वाला उसी तीसरे वाले में जाएगा, अब वो पकेगा इसी तरह। इसमें से दूसरे वाले में से इसको सुखाने ठंडा करने के लिए थोड़ा है पलटेंगे इसको। ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये पहले वाले का दूसरे वाले में जाएगा। जो गन्ना निकलता है इसके पीछे से, इसको सुखा के यहाँ पे सूखता है और यहाँ पे फिर सुखा दिया जाता है फैला के। उसके बाद यहाँ पे लेके आया जाता है सूखने के बाद यहाँ आग वो पकाने के लिए। गुड़ को यहाँ पे आग लगाई जाती है उसमें इसके अंदर, तब इधर पकाई होती है। इधर गन्ना आता है बाद इधर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।